समाजवादी पार्टी के मारहरा ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता राजू आर्य पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग की है। घटना गत रात्रि की है। कार में कई गोलियां लगी है। कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। राजू आर्य बाल बाल बचे हैं। फायरिंग कर हमलावर मौके से हुए फरार हो गए। पहले भी हो चुका है हमला। थाना में रहची क्षेत्र में यह घटना हुई है। घर से 3 किलोमीटर दूर नगला मोती चौराहे पर राजू आर्य पर फायरिंग की गई। गनीमत थी कि वे कार में सवार थे। 4 दिन पहले राजू आर्य को फोन नंबर 5742233991 से 7 दिन के अंदर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई थी। उन्होंने इस धमकी के बारे में पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने इसे हल्के में लिया और कातिलाना हमला हो गया। पूर्व में भी राजू आर्य पर कातिलाना हमला हो चुका है। तब वे बाल बाल बचे थे। परिवार दहशत में पलायन को तैयार राजू आर्य मारहरा ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के मारहरा ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। इस घटनाक्रम को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भीखने से बच रही है। धमकी मिलने और फायरिंग के बाद राजू आर्य और उनका परिवार भारी दहशत में। परिवार शहर से पलायन करने की बात कह रहा है। जानलेवा या कातिलाना हमला हुआ है, जमकर फायरिंग की गई है आपकी गाड़ी ऊपर, बाल बाल बचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जैसा कि 4 दिन पहले मुझे धमकी दी गई थी, अभी 7 दिन पूरे हो भी नहीं पाए। मैंने अपना मुकदमा कोतवाली नगर में धमकी का दर्ज कराया था। आज मुझे मेरा परिवार बहुत बड़े सदमे में है कि मैं बाल बाल बचाऊँ। आज कार से आज मैं ड्राइविंग सीट पर न बैठा होता, क्योंकि मामला पर कोई पता था कि मैं कहाँ बैठता हूँ। उसने ठीक वहीं पर फायर किया है। यदि मैं वहाँ बैठा होता तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। मैं बहुत सदमे में हूँ। मेरा पूरा फैमिली बहुत परेशान है। कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है। आपने मामला भी दर्ज कराया था, तो क्या पुलिस, आज 4 दिन हो गए, पुलिस ने कह दिया? अभी तक ये पुलिस से मैं बात करता हूँ, रोजाना बात करता हूँ, तो पुलिस ये कह देती है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, 3 दिन में हम पर्दाफाश कर देंगे। क्योंकि 7 दिन की मुझे बताया गया था, मैं 7 दिन में तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो क्या आपको हत्या का भी अंदेशा है? जिस तरह से मुझे पूरा अंदेशा है कि मुझे ये लोग मार के मानेंगे। मैं भैया ये तो ईटा छोड़ दूंगा या जो भी है, अपनी जान तो जैसे 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 वैसे बचाऊंगा ही, क्योंकि पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। और इतना गंभीर मामला, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं, अभी मंत्री जी ने भी आपकी कुशलक्षेम पूछी, क्या क्या कहेंगे? क्या मंत्री जी ने कहा है? हम सुबह हम बात करेंगे। हम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी हमारी पुलिस का हालात करने से बात हुई, वो उस मामले में जिस तरह से उनको कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल पाया है। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? मैं अपना मुकदमा अभी भी थाना बरेसी में दर्ज करा के आया हूँ। पूर्व में भी आप पे कातिलाना हमला हो चुका है? पूर्व में भी 2-3 बार हमला हो चुका है, लेकिन चूंकि इस टाइम होता है या अज्ञात लोगों के द्वारा होता है, तो उस तरह में पुलिस अपना करके एफ आई आर लगा देती है कि भी हमला पर माल भी नहीं पड़ रहे हैं। कौन है, कितने लोग थे, कितने लोग थे आपका, कहाँ जा रहे थे, कैसे हमला? पीछे 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। मैं नहीं जानता कितने लोग थे, क्योंकि अधेरा था, मुझे नहीं पता कितने लोग थे। नगला जोरू के पास हुआ, ये नगला मोती चौराहा है, उसके पास हुआ था। कुछ लोग हैं जो मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। फायरिंग के बाद क्या वो फरार हो गए? फायरिंग के बाद तुरंत वो फरार हो गए। हमने गाड़ी, चूंकि हम गाड़ी में 2 लोग थे, मैं और मेरा गनर, तो उस समय